राम राम जी सभी को। और आप ये मेरे हाथ में देख रहे हो, गिलोय की बेल, या फिर इसको अमृता भी बोलते हैं इसका नाम। तो देखो, बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि जैसे बुखार तो आजकल चल ही रहा है, चिकनगुनिया, डेंगू और वायरल फीवर और कोल्ड भी बहुत हो रहा है बदलते मौसम के हिसाब से। तो उसके लिए देखो, इसके आप इतनी ले लो, जैसे मतलब एक हथेली के बराबर मात्रा ले ली, और इसको तोड़ के, ऐसे तो नहीं टूटेगी, बहुत चिकनी होती है, काट लो इसको। और फिर इसको जो अपन इलायची वगैरह कूटते हैं, अदरक वगैरह, उससे मतलब किसी चीज़ से इसको कूट लो, और कूट के फिर एक दो गिलास पानी में भिगो दो, थोड़ी देर भिगो दो, 10-15 मिनट, आधा घंटा भिगो दोगे तो इसका रस उस पानी में मिल जाएगा। फिर आप छान के उसको थोड़ा गुनगुना करके और वो पानी पी लो। ऐसे नहीं पिया जा रहा, थोड़ा बहुत टेस्ट में हो जाता है, किसी को अच्छा ना भी लगे तो थोड़ी बहुत खांड मिला लो उसमें, या फिर थोड़ा बहुत शहद मिला लो, और इसका आप सेवन करो, देखना बुखार में बहुत ही फायदेमंद है ये। जिसको बार बार टाइफाइड होता है वो भी इसका सेवन कर सकते हैं। ये तो बात हो गई ताजा की ताजा गिलोय उपलब्ध है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भाई मार्केट में इसकी टैबलेट्स भी आती हैं और इसका जूस भी आता है, आप उसका भी सेवन कर सकते हो खाने के बाद, खाने के पहले ले लो, खाने के बाद ले लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है इसमें। और देखो, अगर इसको लगाना हो ना किसी को, जैसे मैंने अपने यहाँ लगा रखी है ये, तो इतनी जैसे इतनी काट ली और ऐसे लगा लो, देखो यहाँ लगा रखी है मैंने, कई सारी लगाई है, एक तो ये लगा रखी है, आगे भी लगा रखी है और उस तरफ भी लगा रखी है, काफ़ी सारी लगा भी रखी हैं। और इसकी एक खासियत ये होती है, जैसे मान लो अब मैं इसको यहाँ ऐसे ही डाल दूंगी ना मिट्टी में, तो इस अपने आप ही उग जाएगी ये, मतलब ज़रूरी भी नहीं आप इसको ऐसे गाड़ के रखो, इसीलिए इसका नाम है अमृता, कि ये कभी मरती नहीं है। तो इसका सेवन आप कर सकते हो और ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, बुखार से तो मतलब पीछा ही छुड़वा देती है बिल्कुल। धन्यवाद।